हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा प्रोडक्ट रिव्यूज़। सो आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 एपिसोड 10 के ऊपर। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो बेसिकली खुदा मोहब्बत सीज़न 3 एपिसोड 10 जो है वो जो जितनी भी घूमी है वो फरहाद के इर्द गिर्द घूमी है। मतलब कुछ एपिसोड्स ऐसी रही हैं जो उसे फिरोज़ खान के कंधों पे रही हैं और फिरोज़ खान के इर्द गिर्द यानी फिरोज़ खान के करेक्टर के इर्द गिर्द घूमती रही हैं। और इसमें इस एपिसोड के अंदर, एपिसोड 10 के अंदर भी हमें यही देखने को नज़र आया कि इसमें उन्होंने दिखाया है कि क्या फील कर रहा है फरहाद और किस तरह से उसके इमोशंस जो हैं वो टूट रहे हैं, फिर वो हिम्मत बांध रहा है, फिर टूट रहे हैं। इसके साथ साथ उसके आसपास के जो लोग हैं उनके दिलों में किस तरह से उसने घर कर लिया है। सो यही सब हमें इस एपिसोड के अंदर नज़र आया है। एपिसोड काफ़ी अच्छी रही है। और इसके अलावा अब दिलावर के साथ साथ फ़कीरा के दिल में भी फरहाद ने जगह कर ली है। फ़कीरा के दिल में भी सॉफ्ट कॉर्नर आ गया फरहाद के लिए। वो बिल्कुल भी उसको इस तरह से टूटते हुए नहीं देख रही है। वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही कि एक इतना चंचल सा बंदा जो है वो इस तरह से खामोश होता जा रहा है सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे माही से प्यार हो गया है। सो यही सब हमें एपिसोड में नज़र आया। और इसके अलावा हमने ये देखा कि माही जो है वो तैमूर के प्रपोज़ल को लेके बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। कि मतलब जब तैमूर उसकी फैमिली से मिलने आता है तो वो चुपके चुपके जा के भाभी के साथ उसे देखती है, और बिल्कुल मतलब डिफरेंट ही लगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस एंगेजमेंट को लेकर। क्योंकि इसमें उसे लगता है कि तैमूर जो है वो बिल्कुल उसके स्टैंडर्ड का बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, उसको बिल्कुल जैसा चाहिए था वैसा हैंडसम भी है। इस वजह से भी हो सकता है कि माही जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस रिश्ते को लेके। सो जब माही तैमूर को देख रही होती है, जब वो जाने लगता है वहाँ से, उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है तैमूर, और उसकी बातों ने जो है ना वो सबके दिलों में घर कर लिया है, सबको बहुत अच्छा लगा है तैमूर। सो होपफुली दोनों का रिश्ता हो चुका है ऑलमोस्ट। और जब माही उसे जाते हुए देखती है, इतने में दिलावर फरहाद को हॉस्पिटल से ले आता है, और फरहाद जो है देखता है कि माही ऊपर खड़ी है, और जब वो नीचे देखता है उसे तैमूर नज़र आता है, पूरी फैमिली नज़र आती है, इतना खुश नज़र आते हैं सब लोग। सो इस पे उसके एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं, लेकिन माही भी उसे एकदम से देख लेती है और पीछे हट जाती है कि उसे समझ नहीं आती। फिर बाद में वो अपनी भाभी से भी डिस्कस करती है कि भाई इतना चंचल, ये तो वो फरहाद है ही नहीं जो हमने वहाँ देखा था, शादी में देखा था। मतलब उसे भी अफसोस हो रहा है कि उसकी छोटी से मजाक की वजह से जो वो फरहाद बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि फरहाद का प्यार जो है वो वन साइडेड है और माही जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ के अंदर। सो उसकी सिस्टर इन लॉ जो है वो फिर से एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि हमने जैसा समझा था फरहाद वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही चेंज होता जा रहा है। जिसपे माही को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि फरहाद को यहाँ नहीं रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। तो वो एकदम फिर कोशिश करती है कि किसी तरह से फरहाद वहाँ से चला जाए, उसकी लाइफ से चला जाए। जबकि उसकी भाभी कहती भी है कि भाई तुम अब फरहाद के बारे में मत सोचो, तुम अब तैमूर के बारे में सोचो। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया कि फकीरा के दिल में भी फरहाद के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका है, और फकीरा जो है वो एक बार फिर फरहाद को समझाने के लिए उसके पास जाती है, उसको बताती है कि भाई रहम खाओ अपने ऊपर, तुम क्यों ये सब कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और जब ये सब बातें हो रही होती हैं सो एकदम से दिलावर ये सारी बातें गलती से सुन लेता है, क्योंकि दिलावर आ रहा होता है फरहाद के पास, और वो देखता है कि फ़कीरा वहाँ पे बैठी हुई है और उससे बातें कर रही है। सो अब दिलावर को भी माही और फरहाद के बारे में पता चल चुका है। सो क्या करेगा दिलावर, क्या दिलावर सबको बता देगा और फरहाद के साथ दोस्ती का हक नहीं निभाएगा? लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि दिलावर भी इस फेज से गुजर चुका है कि उसने भी कभी किसी से मोहब्बत की और उसमें नाकाम रहा, वो बंदी किसी और की हो गई। सो इस वजह से फरहाद दिलावर का साथ बिल्कुल देगा, उसको सपोर्ट करेगा, वो उसकी बात जो है वो छुपाने की कोशिश करेगा ताकि किसी को ना पता चले। सो ये तो अब आगे पता चलेगा कि दिलावर फरहाद को कैसे सपोर्ट करेगा, क्योंकि दिलावर की और फरहाद की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो ऑब्वियसली इतनी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, दोनों के दुख
किरदार जो है वो ऑलमोस्ट सेम है इस मोहब्बत के चक्कर में. सो बिल्कुल दिलावर जो है वो फरहाद को सपोर्ट ज़रूर करेगा. और माही जो है वो एकदम फिर से कहती है कि मुझे अब फिर से फरहाद से मिलना है, और उसे बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगी मैं कि वो यहाँ से चला जाए. लेकिन क्या फरहाद जाएगा अब ये तो हमें बाद में पता चलेगा. लेकिन ओवरऑल ड्रामा इसी के इर्द गिर्द हमें घूमते हुए नज़र आया कि फरहाद की फीलिंग्स आ रही हैं सामने, ठीक है, और इसके साथ साथ माही जो है वो प्रपोज़ल को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. बहुत अच्छा रहा ड्रामा. अब नेक्स्ट एपिसोड बहुत बहुत अमेजिंग होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि उसके अंदर हमें एक कुछ ना कुछ आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा. क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सज्जल भी जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी फरहाद से, लेकिन फरहाद क्या जवाब देगा ये भी बाद में पता चलेगा. और अगर माही दोबारा उससे मिलती है फरहाद से तो क्या होगा. सो ओवरऑल ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड खुदा और मोहब्बत सीजन 3 एपिसोड 11 के अंदर पता चलने वाला है, जो बहुत जल्द आने वाली है. सो होप कि आप लोगों को मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. हम नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.